हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल। कैसे हो आप दोस्तों? अच्छे हो ना दोस्तों? आज दोस्तों आप लोगों के लिए मैं फिर से क्वेश्चन आंसर का एक सेगमेंट लेके आ गया हूं, जिसमें आप लोगों ने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं उन सारे क्वेश्चनों के आंसर स्टेप बाय स्टेप देने की कोशिश करूंगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ये आपका चैनल है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने इस चैनल को बनाया है, ताकि आप लोगों की लोन, क्रेडिट कार्ड या इंश्योरेंस रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन हो मैं उसको सॉल्व कर सकूं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और कुछ अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो इन सब टॉपिक से रिलेटिव, तो प्लीज़ कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, कोई जानकारी हो, तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है प्लीज़ आप लिखिएगा, हमारी टीम और मैं पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की उस आंसर को जो आपने पूछा हो। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, जो ये क्वेश्चन आ रहा है, ये पूछा है अपने पंकज बंसल जी ने। ये लिखते हैं कि बैंक मुझे प्री अप्रूवल पर्सनल लोन दे रहा है 36 महीने के लिए, तो क्या मैं उसे 48 महीने या 60 मंथ करवा सकता हूँ? तो पंकज जी और आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, जो प्री अप्रूवल लोन आपको बैंक ऑफर करता है, वो बैंक अपनी मर्जी से आपकी एलिजिबिलिटी को देख कर एक लोन टर्म और एक लोन अमाउंट वो ऑफर करता है। आप अपनी मर्जी से चाहेंगे कि मैं उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करवा लूँ या मैं टाइम को ज़्यादा करवा लूँ, तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। आपको जो ऑफर आया, उस ऑफर के अंतर्गत आपको लोन लेना पड़ेगा, आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी, और आपका जो लॉन्ग टर्म होगा वो बैंक डिसाइड करेगा। और जब आप उस लोन को ले लेते हैं, एक साल आप उसका पेमेंट अच्छे से करते हैं, तो आप अपने हिसाब से उस टाइम को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, प्री अप्रूवल लोन जो होता है वो बैंक अपनी मर्जी से देता है, आपके सिविल स्कोर को देखकर, ना कि आपकी मर्जी से वो चलेगा। तो दोस्तों, आप अपने सिविल को अच्छा रखिए, स्ट्रांग रखिए, ताकि बैंक आपको प्री अप्रूवल ऑफर करता रहे, और आप अपने सिविल को अच्छे रखेंगे तो अप्रूवल के बाद अगर आप सेंक्शन करा लेंगे तो आप बार्गेनिंग कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर और टाइम पीरियड को लेकर। लेकिन दोस्त, मैं बताऊंगा कि प्री अप्रूवल का ये मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती उस चीज़ को ले लीजिए। आपको अनवांटेड भी अगर वो प्री अप्रूवल दे रहे हैं और आपको ज़रूरत नहीं है, तो आप उस जाल में मत फंसिए। ठीक है दोस्तों, मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड और लोन क्यों देता है, वो अपने फ़ायदे के लिए देता है, ना कि आपके फ़ायदे के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो ठीक है, बैंक अगर आपको प्री अप्रूवल दे रहा है तो आपने वो अपनी मर्जी से दे रहा है, ना कि आपकी मर्जी से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्लीव सिंह, ये पूछ रहे हैं, सर डीजल के लिए, पेट्रोल के लिए कौन सा कार्ड लेना चाहिए? मेरा अकाउंट बैंक ऑफ इंडिया में है, प्लीज़ हेल्प मी। तो सिंह साहब, आपको बताना चाहूँगा कि पेट्रोल और डीजल के लिए जो सबसे अच्छे क्रेडिट कार्ड्स है, वो तीन क्रेडिट कार्ड है। जो सबसे नंबर वन पे रखना चाहूँगा वो सुपर वैल्यू टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, जिसमें आपको 5% का कैशबैक मिलता है पेट्रोल और डीजल पे, सारे पेट्रोल पंप पे। मैंने उस क्रेडिट कार्ड का रिव्यू कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखिएगा और कोशिश करिएगा आप उस क्रेडिट कार्ड को बनवा लीजिए। ठीक है, दूसरा नंबर पर जो क्रेडिट कार्ड आया है वो HDFC का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है, जो आपको पेट्रोल शॉपिंग पे 5% का फ्यूल पॉइंट देता है। उसका भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके देखिएगा। और तीसरा जो बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है वो है सिटी बैंक का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड, जो कि इंडियन ऑयल पे ही आपको एडवांटेज देता है। तो उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाके देखिएगा। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का BPCL क्रेडिट कार्ड भी अपनी जगह अच्छा क्रेडिट कार्ड है। तो मिला जुला के जो मेरी नज़र तले सबसे अच्छा क्रेडिट कार्ड है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का सुपर वैल्यू टाइटेनियम क्रेडिट कार्ड है, जो आपको पेट्रोल पे 5% का कैशबैक देता है, हर महीने आप मैक्सिमम 500 रुपये का कैशबैक ले सकते हैं। तो आप देखिएगा इस वीडियो को और अपने एरिया में आप जाके इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं सिंह साहब। ठीक है ना, पेट्रोल के तीन अच्छे क्रेडिट कार्ड जो है, मैंने उस पर सेपरेट वीडियो भी बना रखी है, उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, आप जाके अच्छे से उस वीडियो को देखिए। अगला क्वेश्चन है जो कि सुनील गोयल जी ने पूछा है कि भाई, एक आदमी HDFC बैंक का कितना क्रेडिट कार्ड ले सकता है
और ये क्वेश्चन को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ कि एक बंदा एक बैंक का कितना क्रेडिट कार्ड ले सकता है। तो भाई सुनील, आपको बताना चाहूँगा कि HDFC हो, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे अदर कोई भी बैंक हो, हर बैंक आपको 2 या 3 क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है, बशर्ते आप अपने क्रेडिट कार्ड जो प्रीवियसली यूज कर रहे हैं आप उसको अच्छे से यूज करें, टाइम पे पेमेंट करें, और साथ में वो आपको एड ऑन कार्ड वगैरह भी फ्री में दे देता है। एड ऑन कार्ड क्या होता है डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने उसके बारे में बता रखा है। और आप HDFC का एक क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं तो 6 महीने के बाद बैंक आपके हैबिचुअली पे दूसरा कार्ड भी ऑफर कर सकता है, तो आप एक नहीं 2-2 HDFC का क्रेडिट कार्ड ले सकती हैं। और आप अगर SBI का यूज कर रहे हैं तो SBI का 1 नहीं 2-2 क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं, क्योंकि सेम यही क्वेश्चन श्री सुरेंद्र कौशिक जी ने भी पूछा है। उस भाई साहब ने HDFC के लिए पूछा और इन भाई साहब ने ये क्वेश्चन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए पूछा था। बात अगला करते हैं जो कि श्री कृष्णा जोशी जी ने पूछा है, अगर कार्ड यूज नहीं किया तो इसका मंथली चार्ज या ईयरली चार्ज क्या होगा। तो श्री कृष्णा जी, आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको अगर बैंक कोई क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है तो उसमें क्या होता है कि वो आपको एक्टिवेशन के लिए आपको बोलता है कि आप एक्टिवेशन करिए, तो उस साल में आप 2 महीने में 2000 या कुछ रुपए खर्च कर सकते हैं। अलग अलग बैंकों की अलग अलग पॉलिसी होती है, ठीक है ना। मैंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के रिव्यू कर रखे हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कौन सा यूज कर रहे हैं आप उसको जाके देखिएगा, ठीक है ना। और फिर एनुअली वो क्या बोलता है कि आप इतने साल में इतना खर्च कर लेंगे तो आपका बेवकूफ हो जाएगा। कुछ कार्ड्स लाइफ टाइम फ्री है, जैसे कि PRC प्लेटियम रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का हुआ, उसमें आपको एक्टिवेशन करना 250 रुपये से पूरे साल में 30,000 रुपये खर्चेंगे तो नेक्स्ट ईयर फ्री रहेगा। HDFC मनी बैक कार्ड एक्टिवेट करवा लीजिए, लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड होता है। इसी तरीके से अपना सिटी बैंक का रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड है, कार्ड एक्टिवेट कराइए, बैंक आपको 1,000 रुपये खर्च करने पर 2,500 रिवॉर्ड पॉइंट देता है, जिसकी मनी वैल्यू बैंक 1,000 रुपये रखती है, और पूरे साल में 30,000 रुपये आपको खर्च करने के लिए कहती है। आप 30,000 खर्च कर लेंगे तो नेक्स्ट ईयर भी फ्री रहेगा। ये जैसे इन कार्डों के मैंने रिव्यू कर रहा है, आप जाके देख लीजिएगा। तो आप एक्टिवेशन करिए, एक्टिवेशन करेंगे तो उसमें आपको कुछ मतलब खर्च करना है तो उस साल के लिए फ्री हो जाएगा, या फिर खर्च करने पर आपका स्टेटमेंट में से बेवकूफ हो जाएगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंपली सेफ में क्या होता है, कार्ड एक्टिवेट करिए, विदिन 2 मंथ्स में 2,000 रुपये खर्च करेंगे तो आपका वो बेवकूफ हो जाएगा, पूरे साल में 90,000 रुपये खर्च करेंगे तो नेक्स्ट ईयर फ्री हो जाएगा। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा, आपने ये नहीं बताया कि मैं कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा हूँ ताकि मैं उसके बारे में आपको बता पाता, तो आपका मंथली चार्ज नहीं होता है। मंथली चार्ज वाला केवल एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का क्रेडिट कार्ड आया है जिसमें आपको महीने में 5,000 रुपये खर्च करेंगे, नहीं करेंगे तो 550 रुपये फीस लगती है, ठीक है ना। बाकी सारे क्रेडिट कार्ड के एनुअल फीस होते हैं या ज्वाइनिंग फीस होते हैं। तो आप कौन सा कार्ड यूज करें बताइए। और आप ये जो सोचेंगे कि मैं पूरे साल ना खर्च करूं, तो ऐसा नहीं है, बैंक ने आपको कार्ड दिया तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा, नहीं खर्च करेंगे तो एनुअल फीस लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन मैंने पिक किए थे, आपका भी कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में कोई क्वेरी तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा, और आप अपना मोबाइल नंबर प्लीज कमेंट्स में नहीं लिखिएगा। आपके नंबर पे कोई भी फर्जी कॉल करके आपको मेरे नाम पे बरकला सकता है। अगर आपकी कोई क्वारी जेन्युइन है तो व्हाट्सएप पे लिखिए, मैं और मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों मैं था अब्दुल और आप देख रहे थे AHK टिप्स। तो मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपने सेहत का ख्याल और मिलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू।